Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel Ignu E Pathshala. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्ले सेशन में हम अपनी यूनिट वन को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में. ऑलरेडी हम इससे पहले कवर कर चुके हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा उसको जरूर देख लीजिएगा. उसका लिंक मैं आपको आई बटन में शेयर कर दूंगी. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू पीपल, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब कम्युनिटी टैब, बट इट्स माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू दैट द डेट्स हैव बीन एक्सटेंडेड फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन प्लस योर असाइनमेंट सबमिशन विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन टेलीग्राम इंस्टाग्राम एंड कम्युनिटी टैब ऑफ यूट्यूब. ठीक है, सो आप लोग देख लेना. जिनको भी अभी तक नहीं पता चला है उनको मैं बता दूं कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की सबमिशन डेट और आपके असाइनमेंट की सबमिशन डेट, चाहे आप असाइनमेंट्स ऑफलाइन सबमिट कर रहे थे या फिर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे थे, उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और ये हो गई आपकी 30 जून. ठीक है, 30 जून 2021. तो अगर आप में से किसी ने अभी तक असाइनमेंट्स को प्रिपेयर नहीं किया है या एग्जामिनेशन फॉर्म को अभी तक फिल नहीं कर पाए थे तो आपके पास अब टाइम है, आप उसको फिल कर लीजिएगा. एंड आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स की ये सबसे ज़्यादा क्वेरी थी कि मैम री इवेल्युएशन का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें या ना करें, सो आई होप कि अगर इग्नू ने इतना टाइम लिया है तो आपके वो रिजल्ट्स भी अपडेट हो जाएंगे ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि आपको किन पेपर्स के लिए दोबारा रीअपियर होने की ज़रूरत है या फिर आपके वो पेपर्स क्लियर हो गए हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च तक. आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा और कोई भी आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा. अगर अभी तक नहीं देखा है आपने वीडियो, वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, साथ ही आपको आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगा. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था टाइप्स ऑफ रिसर्च में. ठीक है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना, इसलिए मैं ये लिख देती हूँ. ये आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च का एक लास्ट टॉपिक है. ठीक, दैट अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ स्टडी, स्टडी के अकॉर्डिंग, पर्पस ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग हमने रिसर्च का क्लासिफिकेशन कैसे किया है ये हम यहाँ देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी की. जैसा कि आपको ये नाम से समझ में आ रहा होगा डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ठीक है, जहां पर हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको इलैबोरेट कर रहे हैं. अब हम ये डिस्क्रिप्शन किसी पर्सन के लिए भी दे सकते हैं, किसी सिचुएशन, किसी सर्कमस्टांसेस, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में भी ये हो सकता है. ठीक है, सो द मेजर पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, सिचुएशन, इंस्टीट्यूशन और एन इवेंट एज इट एग्जिस्ट. जैसा भी वो इवेंट हुआ है, जैसी भी सिचुएशन हुई है, उसको एज इट इज ही हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं विदाउट एनी मैनिपुलेशन. ठीक है, उसमें कोई भी हम चेंजेस नहीं करते हैं, जो चीज जैसे ही हुई है उसको उसी तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है. ठीक, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होती है. ठीक है, सो द स्पोर्ट्स ब्रांड वॉन्ट्स टू सेट अप अ बिजनेस इन सेलिंग जिम गियर्स. ठीक है, तो वो एक स्पोर्ट ब्रांड है, वो अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहती है और बेसिकली वो क्या सेल करना चाहती है, जिम गियर्स. ठीक, अब यहाँ पर अगर उनको जिम गियर्स सेल करने हैं तो थोड़ी बहुत रिसर्च तो करनी पड़ेगी कि लोगों का टेस्ट कैसा है, लोग किस टाइप के क्लोथ्स वियर करना चाहते हैं जब वो जिम में आ रहे हैं. ठीक है, सो टू गेट द इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेफरेंस ऑफ पीपल दे अडॉप्टेड टू डिस्क्रिप्टिव मेथड्स. ठीक है, तो यहाँ पर दो डिस्क्रिप्टिव मेथड की बात हो रही है, एक है हमारा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड द अदर इज द सर्वे. तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन नॉर्मल क्या हुआ कि आप ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि जो आपके जिम में लोग आ रहे हैं या फिर कोई भी जिम जा रहे हैं तो वहां पे किस टाइप के वो क्लोथ्स पहन के जा रहे हैं. ठीक, दूसरा है कि हम सर्वे करके भी देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. ठीक है, सो इन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग पीपल एट डिफरेंट जिम एंड साइलेंटली लर्न अबाउट द काइंड ऑफ क्लोथ दे प्रिफर टू वियर. अब जब आपका ऑब्जर्वेशन होता है, इसकी खास बात ये होती है कि आप साइलेंटली सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, सामने वाले पर्सन को कोशिश करते हैं कि पता ना लग पाए कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं. एक तो मेथड ये है जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि लोगों की प्रेफरेंस
क्या है, ठीक। सो टू नो मोर अबाउट देयर चॉइस दे कंडक्टेड अ सर्वे एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चनेयर्स कंटेनिंग क्वेश्चंस लाइक हाउ मच वुड यू लाइक टू स्पेंड ऑन अ स्पोर्ट ट्रैक पैंट। यहाँ पर हम सर्वे के थ्रू क्या करते हैं, लोगों की प्रेफरेंस को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग जिम में जाते हैं वो किस टाइप के स्पोर्ट्स ट्रैक पैंट को परचेज करना चाहते हैं, कितना पैसा उस पर खर्च करना चाहते हैं, किस कलर के आउटफिट को लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे एक ओवरऑल हमको उनके प्रेफरेंस की नॉलेज मिल जाती है। तो यही होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जहाँ पर आप ओवरऑल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, चाहे वो किसी पर्सन की बात हो, कोई सिचुएशन की बात हो, या फिर कोई पर्टिकुलर इवेंट की बात हो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल स्टडी। अब एनालिटिकल स्टडी हमें क्या बताती है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनका हम क्या करते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है। जैसे यहाँ पे सिंपल से एग्जाम्पल लिया जाए अगर पोस्टमार्टम स्टडीज का, जैसे अगर किसी का पोस्टमार्टम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ उस पर्सन के साथ इवेंट अकर हुआ होगा, है ना। और उस इवेंट में हम कोई चेंजेस या मैनिपुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है। तो ये होती है आपकी एनालिटिकल स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी इवैल्यूएशन स्टडी। इवैल्यूएशन क्या मतलब होता है, जहां पर हम किसी चीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं या फिर किसी चीज को हम एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ स्टडी इज जनरली कंडक्टेड टू एग्जामिन और इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। एक पर्टिकुलर इवेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, इसको एग्जामिन करा जाता है, इसको इवैल्यूएट किया जाता है। यही होती है हमारी इवैल्यूएशन स्टडी। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन का। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन में पेपर लिखते हैं और उसके बाद जो टीचर है, जो प्रोफेसर जो आपके आंसर शीट को चेक कर रहा है, वो आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है और उसको अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट करता है, राइट। तो यही कहलाती है हमारी इवैल्यूएशन स्टडी, जहां पर हम एक पर्टिकुलर इवेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसको इवैल्यूएट या उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है। और लास्ट है इसमें हमारी एक्सप्लोरेटरी स्टडी। अब एक्सप्लोरेटरी स्टडी को आप एक्सप्लोर वर्ड से याद रखिएगा, ठीक है। एक्सप्लोर का क्या मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करना। आपके पास ऑलरेडी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है लेकिन आपको अगर इन डेप्थ किसी चीज के बारे में जानना है तो आप क्या करते हैं, और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो आपकी जो एक्सप्लोरेटरी स्टडी है वो भी यही कहती है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लिटिल है, वो थोड़ी है, लेकिन अगर हमें उसके बारे में और ज्यादा जानना है तो हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है, और यही एक्सप्लोरेटरी स्टडी होती है, ठीक है। सो द इन्फॉर्मेशन नोन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर इज लिटिल, हेंस द स्टडी इज कंडक्टेड टू नो मोर अबाउट इट सो एज टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एंड प्रोसीजर ऑफ द स्टडी। जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास बहुत लिमिटेड है, बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर हमें अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना, उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोसीजर्स लगाने, उसके लिए हमें और ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है, ठीक है। तो सच अ स्टडी इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव स्टडी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है आपका आइसक्रीम पार्लर का। अब यहाँ पे जो आपका आइसक्रीम पार्लर का ओनर है वो चाहता है कि वो नए फ्लेवर्स को इंट्रोड्यूस करे अपने आइसक्रीम पार्लर में, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा उसका आइसक्रीम पार्लर को विजिट करें, ठीक है। सो टू फाइंड आउट दिस ही कैरीज आउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टू डिटरमाइन दैट एक्सपैंडिंग द रेंज ऑफ फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम विल गेट हिम मोर कस्टमर्स और इफ देयर इज एनी बेटर आइडिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को यहाँ पर कैरी आउट करेगा ये जानने के लिए कि मैं अगर अपने आइसक्रीम पार्लर में डिफरेंट फ्लेवर्स को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो क्या उससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं मेरे पास, या फिर कोई और बेटर आइडिया है जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जिसको मैं आगे अपने आइसक्रीम पार्लर में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, जिसके थ्रू कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होके आए। तो ये क्या होती है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या फिर एक्सप्लोरेटरी स्टडी, जहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी कुछ फैक्ट्स, कुछ इंफॉर्मेशन है बट वो लिमिटेड है, उसको हम और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं ताकि हम अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकें, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डेट इज हमारा मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पर टोटल 6 मेथड्स ऑफ रिसर्च हैं जिनको हमें स्टडी करना है। ऑलरेडी कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनको आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा, अगर आपने
इन डिटेल सारे चैप्टर्स को यहाँ पे स्टडी किया था, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो पूरा सिलेबस भी नहीं कवर कर पाते हैं क्योंकि लास्ट मिनट पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सर्वे मेथड, आपका ऑब्जर्वेशन मेथड, केस मेथड, तो ये सब मेथड्स ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे IBO 2 में, जो आपके IBO 2 के लास्ट के चैप्टर्स थे। ठीक है, बट डोंट वरी, हम यहाँ पर भी इनको डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप देखना चाहें तो वहां पर भी उस वीडियो को देख सकते हैं, थोड़ा कंटेंट आपको वहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम सर्वे मेथड के बारे में या सर्वे रिसर्च के बारे में। सबसे पहले बात करें अगर हम वर्ड सर्वे की, तो सर्वे का क्या मतलब होता है? टू ओवर सी, टू लुक ओवर, टू स्टडी और टू सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट। अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि सर्वे में हमने क्वेश्चन एयर्स को प्रिपेयर किया। अब जो क्वेश्चन एयर्स होती हैं, ये आपकी सिस्टमैटिक ही होती हैं। तो ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होता है और बेसिकली ये लार्जर पॉपुलेशन को यहाँ पर कवर करता है। ठीक है, सर्वे रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ फ्यू ऑफ देम। तो हम यहाँ पर पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो कुछ ही लोगों से कलेक्ट की जाती है, क्योंकि आपके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है, ना ही रिसर्चर के लिए पॉसिबल है कि पूरी पॉपुलेशन को यहाँ पर कंसिडर किया जा सके। ठीक है, सर्वे रिसर्च इज द स्टडिंग सैंपल्स चूजन फ्रॉम द पॉपुलेशन टू डिस्कवर द रिलेटिव इंसिडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटर रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स। तो हम पूरी पॉपुलेशन को तो यहाँ कंसिडर करते हैं, बट जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो कुछ ही लोगों से। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर सैंपल्स लिए जाते हैं और उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, आगे जज करते हैं कि जो सैंपल्स हमने पॉपुलेशन से लिए हैं वो सैंपल्स आपकी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉपुलेशन आपकी कुछ और है और आपने सैंपल्स अनरिलेटेबल लिए हैं, क्योंकि आप फिर उसके ऊपर जो स्टडी करोगे वो रियलिस्टिक नहीं होगी, वो ट्रस्टवर्दी नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन ही नहीं कर पा रही है। ठीक है, सो बाय सर्वेइंग डेटा इंफॉर्मेशन मे बी कलेक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन और पर्सनल इंटरव्यू और मेल्ड क्वेश्चनेयर और एडमिनिस्ट्रेटिंग शेड्यूल्स और टेलीफोन इंक्वायरीज। देखिए, सर्वे के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है उसको हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू भी कलेक्ट किया जा सकता है, मेल्ड क्वेश्चनेयर्स, मेल्ड क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो हमारे क्वेश्चनेयर है, जो बंच ऑफ क्वेश्चंस हैं, हम रिस्पोंडेंट को मेल करते हैं और जो रिस्पोंडेंट है उस क्वेश्चनेयर को फिल करके हमको दोबारा मेल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिंग शेड्यूल्स, अब आपके जो शेड्यूल और क्वेश्चन एयर है इसमें फर्क होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एयर एंड शेड्यूल, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, बट यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर ब्रीफ दे देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन एयर का क्या होता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और जो आपका रेस्पॉन्डेंट है वो इंडिपेंडेंटली आंसर करता है, लेकिन शेड्यूल में क्या होता है, जो आपका एन्यूमरेटर है, जो पर्सन है जिसने ये शेड्यूल पूरा प्रिपेयर किया है, और जो रेस्पॉन्डेंट है वो दोनों वन टू वन बैठ के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर राउंड टाइप का होता है, जो आपका रेस्पॉन्डेंट है वो आंसर करता जाता है और जो आपका एन्यूमरेटर है उसके आंसर्स को नोट डाउन करता है, बट जो क्वेश्चन एयर होती है उसमें जो आपका रेस्पॉन्डेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो खुद से अपने आंसर्स को फिल करता है। ठीक है, या फिर हम टेलीफोन इंक्वायरीज के थ्रू भी सर्वे कर सकते हैं, जैसे आप खुद भी देखते होंगे कई बार ऐसी कॉल्स आती हैं कि आप कौन सा टीवी सीरियल देखते हैं, कौन सा रियलिटी शोज देखते हैं, है ना, ये काफी सर्वे होते रहते हैं अक्सर, तो ये भी आपका किस्मा जाता है, सर्वे रिसर्च का पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम फीचर्स ऑफ सर्वे मेथड। तो सबसे पहला फीचर है दैट इट इज अ फील्ड स्टडी एज इट इज ऑलवेज कंडक्टेड इन अ नेचुरल सेटिंग्स। तो आपको जो सर्वे मेथड है ये फील्ड स्टडी कहलाती है, आई होप ये तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये नेचुरल सेटिंग्स में ही कंडक्ट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट सॉलिसिट्स रिस्पॉन्सेज डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स ऑफ पीपल नोन टू हैव नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम अंडर द स्टडी। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट के पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्टडी की जो यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं, अगर उसके पास प्रॉपर नॉलेज है तो ही वो हमको वैलिड और ट्रस्टवर्दी आंसर्स दे सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी एक डिमेरिट भी बन जाती है, क्योंकि अगर आपका रिस्पोंडेंट एजुकेटेड नहीं है, लिटरेट नहीं है, तो वो यहाँ पे इक्वली पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा और जो उसके आंसर्स होंगे
वो वैलिड भी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दैट जनरली इट गैदर्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन। तो ये अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि जो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो लार्ज पॉपुलेशन से ही कलेक्ट करते हैं, बट सैम्पल्स में। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन को क्योंकि यहाँ पे कंसिडर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है दैट अ सर्वे कवर्स अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया। तो एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया ही को हम कवर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई विलेज या कोई सिटी या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इट इज अ टाइम फ्रेम। इसका एक टाइम स्पैन होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही हमें सर्वे करना होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा हम इसका सर्वे करते रहेंगे, इसके अंदर टाइम बाउंडेशंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इट कैन बी एन एक्सटेंसिव सर्वे इन्वॉल्विंग अ वाइडर सैंपल और इट कैन बी एन इंटेंसिव स्टडी कवरिंग फ्यू सैंपल्स बट इन एन इन डेप्थ एंड डिटेल्ड स्टडी। ये आपका एक्सटेंसिव सर्वे भी हो सकता है और इंटेंसिव सर्वे भी हो सकता है। एक्सटेंसिव मतलब जहाँ पे हम जो सैंपल्स भी कलेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा है, और इंटेंसिव सर्वे जहाँ पर हम थोड़े ही सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। बट हमको इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर हम थोड़े सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारी एक्यूरेसी है वो भी प्रॉपर नहीं होगी, है ना। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 100 लोग हैं, ठीक है, और हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, तो हमको यहाँ पे मेक श्योर करना होगा कि जो 5 सैंपल्स हैं हमने इनकी प्रॉपर इन डेप्थ और डिटेल स्टडी की है। क्योंकि आपको भी ये पता है कि अगर हमने यहाँ पे पॉपुलेशन को कंसिडर किया है, उसमें से हमने सैंपल्स ड्रॉ किए हैं, सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, तो जितने ज्यादा सैंपल्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि एक्यूरेसी उसमें होगी। तो अगर हम एक्सटेंसिव स्टडी कर रहे हैं, एक्सटेंसिव सर्वे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वाइडर सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इंटेंसिव स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये चीज मेक श्योर करनी होगी कि हमने उन सैंपल्स की इन डेप्थ और डिटेल स्टडी की है ताकि उनमें एक्यूरेसी रहे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसमें दैट सर्वे रिसर्च इज बेस्ट एडेप्टेड फॉर ऑब्टेनिंग पर्सनल सोशियो इकोनॉमिक फैक्ट्स बिलीव्स एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस। ठीक है, तो इसके लिए हम सर्वे रिसर्च करते हैं और इनमें बेस्ट भी रहती है, जहाँ पर हम एटीट्यूड्स, ओपिनियंस, बिलीव्स या फिर पर्सनल कोई चीज जानने की अगर रिस्पोंडेंट से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम ऑब्जर्वेशन मेथड। सो ऑब्जर्वेशन सिंपली मीन्स सीइंग और व्यूइंग। इट इज नॉट अ कैजुअल बट सिस्टमैटिक व्यूइंग। ठीक है, तो ये आपका कैजुअल व्यूइंग नहीं होता है जैसा आप लोग जनरली करते हैं। ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन। ये क्या होती है, सिस्टमैटिक व्यूइंग होती है, जहां पर हम अगर किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो किसी बेसिस पे कर रहे हैं, किसी स्टडी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन में देयरफॉर बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक व्यूइंग ऑफ स्पेसिफिक फेनोमेना इन इट्स प्रॉपर सेटिंग फॉर द पर्पस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पेसिफिक स्टडी। तो एक स्पेसिफिक स्टडी के लिए हम अगर किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये क्या कहलाती है, आपके ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाती है। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ पीवी यंग, ऑब्जर्वेशन में भी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक व्यूइंग कपल्ड विद कंसिडरेशन ऑफ सीन फिनोमेना। ठीक है, तो क्या होती है, सिस्टमैटिक व्यूइंग होती है। ऑब्जर्वेशन इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन बाय ऑब्जर्विंग द सब्जेक्ट्स अंडर नेचुरल और कॉन्ट्रोवर्ट एनवायरमेंट। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि आप ऑब्जर्वेशन को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर ये होती है कि जिस भी पर्सन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि उसको कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो फिर क्या करेगा, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं या फिर आप जो भी चीज उसके ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन प्लेज अ क्रूशल रोल इन मार्केटिंग रिसर्च एज इट ऑब्जर्व द मैनर इन विच द कंज्यूमर बिहेव इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट। अगर यहाँ पे कस्टमर या कंज्यूमर को पता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उसके जो जेस्चर, उसके जो पॉस्चर है वो चेंज होने लग जाएंगे। हो सकता है उसकी टेस्ट प्रेफरेंस में भी वो चेंजेस ले आए, है ना, अगर उसको पता चल जाता है कि अगर कोई पर्सन उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसीलिए नेचुरल सेटिंग्स में ही किया जाता है ताकि जो हम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको ये पता ना चल पाए। ठीक है, तभी हम एक्चुअल में यहाँ पे समझ पाएंगे कि सामने वाले पर्सन की डिजायर क्या है या फिर सामने वाला पर्सन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है,
There are several ways of observing any consumer or consumer group and therefore to assemble the primary data. This technique is employed in the field of marketing research so as to analyze and improve the sales. So, आपको जो observation method है, so सबसे ज़्यादा marketing research में use किया जाता है and the reason being कि हम consumers के taste and preference के बारे में जान सकें, उनके attitudes, उनके beliefs, उनके opinion के बारे में जान सके. ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन इज डन बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक आपके डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड ओपिनियंस, अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट, साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड बिहेवियरल पैटर्न. ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं फीचर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. तो सबसे पहला फीचर है दैट इट इज नॉट ओनली सीइंग एंड व्यूइंग बट ऑल्सो हियरिंग एंड रिसीविंग एज वेल. तो आपका जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक व्यूइंग, राइट. लेकिन सिर्फ व्यूइंग ही यहाँ पर नहीं होता है, इसके साथ हमको जो भी आस पास एनवायरमेंट में हो रहा है, ठीक है, उसको भी परसीव करना है. सिर्फ देखना नहीं है, उसको ध्यान से सुनना है, समझना, और आपके एनवायरमेंट में जो भी कंडीशंस हो रहे हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, उनको भी परसीव करना है. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इट इज बोथ अ फिजिकल एंड अ मेंटल एक्टिविटी. तो आपका जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी दोनों है, क्योंकि फर्स्टली तो आप यहाँ पे किसी पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये मेंटल एक्टिविटी इसलिए क्योंकि आपको जो आसपास के एनवायरमेंट में जो कंडीशंस हो रही है, जो पर्टिकुलर पर्सन बात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ता है. ठीक है, सो द ऑब्जर्विंग आई कैचेस मेनी थिंग्स विच आर साइटेड बट अटेंशन इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन द डेटा दैट आर रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम अंडर द स्टडी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दैट इट कैप्चर्स द नेचुरल सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच अ पर्सन बिहेवियर अकर. जो आपका ऑब्जर्वेशन मेथड भी है ये नेचुरल सेटिंग्स के अंदर ही होता है, ताकि यहाँ पे जो पर्सन जिस तरीके से एक्चुअली बिहेव करता है वो पता चल सके. यहाँ पर कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता है. ठीक है, अगर सामने वाले पर्सन को पता चल गया कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसके जेस्चर्स, उसके पोस्चर्स में कुछ चेंजेस आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल सेटिंग्स के अंदर ही ऑब्जर्वेशन होता है. ठीक, नेक्स्ट है दैट ऑब्जर्वेशन इज सेलेक्टिव. द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट ऑब्जर्व एवरीथिंग बट सेलेक्ट्स द रेंज ऑफ थिंग्स टू बी ऑब्जर्व डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी. अब जो यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर है वो स्टडी के अकॉर्डिंग ही जो चीजें रेलिवेंट है उन्हीं को स्टडी करता है. आसपास में बहुत सी चीजें होती रहेंगी आपके एनवायरमेंट में, आप सब चीजों को यहाँ पर क्या करोगे, स्टडी तो नहीं करोगे, ना ही आप उनको उतना ऑब्जर्व करोगे. जो आपकी स्टडी के लिए रेलिवेंट है हम उन्हीं सब चीजों को सिर्फ स्टडी करेंगे, उन्हीं को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दैट ऑब्जर्वेशन इज नॉट कैजुअल बट विद अ पर्पस. इट इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ नोटिंग थिंग्स रेलिवेंट टू द स्टडी. तो आपको जो ऑब्जर्वेशन है सिर्फ कैजुअल नहीं होती है. ठीक है, मुझे पीछे वाला पॉइंट याद आ गया. तो ये आपकी कैजुअल सीइंग या व्यूइंग नहीं होती है, ये एक पर्पस होता है इसका. और पर्पस क्या होता है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो हमारी स्टडी के लिए रेलिवेंट है हम उन्हीं सब चीजों को सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारा दैट द इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्स द फिनोमेना एंड देन गैदर्स एंड एक्यूमुलेट्स द डेटा. सबसे पहले जो आपका इन्वेस्टिगेटर होता है वो फिनोमेना को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो डेटा कलेक्ट करने की जरूरत होती है उसको करता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो आपके ऑब्जर्वेशन के डिफरेंट वेज होते हैं, हम डिफरेंट फॉर्म्स इसको क्लासिफाई करते हैं. तो सबसे पहले बात करें अगर हम अकॉर्डिंग टू सेटिंग, तो आपका ऑब्जर्वेशन नेचुरल सेटिंग्स में होता है और आपका ऑब्जर्वेशन आर्टिफिशियल सेटिंग्स में होता है. ठीक है, नेचुरल सेटिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं ऑब्जर्विंग द लाइव टेलीकास्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स और वॉचिंग फ्रॉम द विजिटर गैलरी. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल सेटिंग्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड सेटिंग्स. तो मतलब कि यहाँ पर नेचुरल सेटिंग्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हमने सेटिंग्स को फॉर्म किया है, जैसे आपके लेबोरेटरी में होता है. ठीक है, लेबोरेटरी में भी हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लें अगर हम बिजनेस गेम्स का, तो यहाँ पर ये भी क्या हो रहा है कि हमने नेचुरल सेटिंग्स ना क्रिएट करके आर्टिफिशियल स्टिमुलेटेड सेटिंग्स क्रिएट करी है और उसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे आपके लेबोरेटरी में भी होता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब अगर हम मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें
तो हम दो तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट और पर्सनल ऑब्जर्वेशन, और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट और मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो इन केस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली ऑब्जर्व द इवेंट्स व्हेन इट टेक्स प्लेस, वेयर एज इन केस ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इट इज डन थ्रू मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो विजुअल एड्स, स्टिल फोटोग्राफ्स एंड पिक्चराइजेशन। तो आई होप यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट या पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जहां पर जो आपका इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा है, और आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जिसको हम मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन भी कह रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ डिवाइसेस के थ्रू क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेटिंग रोल। इसके बेसिस पे यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन को टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक है हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और दूसरा है हमारा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले डिस्कस करें अगर हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टिगेटर होता है वो ऑब्जर्व भी कर रहा है और साथ में पार्टिसिपेट भी करता है। ठीक है, सो इन द केस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द इन्वेस्टिगेटर टेक्स पार्ट इन द एक्टिविटी, दैट इज ही एक्ट्स बोथ एज एन ऑब्जर्वर एज वेल एज पार्टिसिपेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग द कस्टम्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ ट्राइबल्स बाय लिविंग और स्टेइंग विद देम। ये हमने काफी बार देखा है, आपने भी ये चीज देखी होगी कि जो व्लॉग्स करते हैं वो जैसे किसी पर्टिकुलर सिटी को विजिट कर रहे हैं तो वहां के लोगों के साथ रहते हैं, उनके कस्टम्स, उनके रिचुअल्स, उनका लाइफस्टाइल उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उनके साथ पार्टिसिपेट भी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा हमारा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहां पर जो आपका इन्वेस्टिगेटर है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक, द केस ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड मेरिली एज एन ऑन लुकर। ठीक है, तो वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करता है, वहां पर जो पर्सन है उनके साथ जो एक्टिविटीज है उनमें परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस पर्टिकुलर यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो इसके लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड मेरी ये कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में ये यूनिट आपकी कवर हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफी डिले हो गया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा और अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।